जय श्री राम मेरे परम प्रिय सभी भाई और बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। बंधु आज मैं बहुत ही हर्षित हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ क्योंकि एक हर्षा नाम की बहन जो यूके में रहती है उनसे मेरी चर्चा हुई बड़ी बात नहीं, हालांकि उन्होंने बड़े ही श्रद्धा सम्मान के साथ बात किया, गदगद हुई, हमें भी अच्छा लगा, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। पर जो सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने बताया कि हम 10-12 दोस्त फ्रेंड्स सब मिलकर के गुरुजी और ये हनुमान जी का अनुष्ठान मंगलवार से प्रारंभ कर रहे हैं, ये जानकर के हमें बहुत खुशी हुई। इसी संबंध में कई और सारे कमेंट्स आए थे तो मुझे लगा कि उन पर चर्चा करना सबके लिए उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। जैसे निशा वर्मा बहन भी बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए मैं करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी भावना उनकी है। तो बहन वहां पर बेड के पास कर सकें, संभव हो तो करें, नहीं तो वहां एक पाठ ही पर्याप्त रहता। उस स्थिति में हमें 11 पाठ अलग जहां भी हो वहां बैठ करके वो उनके कल्याण के लिए करना। जैसे आपका मोबाइल कहीं से भी कोई रिचार्ज कर सकता है, चार्ज करने के लिए उसको प्लग में लगाना जरूरी है थोड़ी देर के लिए, उसके लिए जो भी ये चीजें हैं। तो ऐसे आप जब पापा जी के पास बैठिए तो आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, पर वहां आसन पर बैठकर आप 11 पाठ करेंगे, अथवा खैर आप तो समर्थवान है, कोई वृद्ध बहन भी हो बड़ी हो तो वो जो है नीचे पैरों के पास अपना आसन रख लिए, चेयर पर जैसे मैं बैठा हूँ बैठ जाए, अपना आराम से पाठ कर लीजिए। तो इस तरह से करने से परम कल्याण होगा। तो आपने जो पूछा है कि मैं वहीं बैठ करके बेड के पास करूं, तो अगर घर में है कुछ ऐसा संभव है तो ठीक है, क्योंकि पवित्रता भी होना चाहिए। तो आप जब 11 पाठ जैसे जहां भी आप करेंगे नियम से वहां कर लेंगी, उसके बाद में जब पापा से मिलेंगी बैठेंगी तो वहां पर आसन हो तो बहुत उत्तम है, ना हो तो भी चलेगा। हाँ, लेदर की चीजें हम ग्रहण ना किए हों तो उनके नाड़ी पकड़ कर एक पाठ कर दीजिए, टाइम है तो ज्यादा कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, बाद में उनको हल्का सा फूंक दीजिए। जैसे मैंने बताया था पाठ पूरा हो गया तो वो हनुमते नमः अथवा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा इतना भी बोल करके, अथवा कुछ मत बोलिए, पाठ पूरा हो गया उसके बाद जैसे उनको पूरा एक सर्कल घुमा दीजिए अपने फूंक से अथवा सिर पे मार दीजिए, तो आपकी ऊर्जा जो उनमें प्रवाहित हो जाती है अथवा नाड़ियों के द्वारा भी जाती है, तो तत्काल लाभ मिलता है। तो जो 11 पाठ करना किसी के भी निमित्त किसी भी कार्य के लिए हम वो एकाग्रचित होकर करें, वहां से हम पूरा रिसीव करते हैं, फिर उनको जब बैठ करके उनको प्रदान कर देते हैं। और बैठ के करना तो एक्स्ट्रा कर लीजिए, बहुत उत्तम है बहन, आपकी भावना देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ, कई बार आपसे भी चर्चा हुई है। इसके बाद एक बंधु है, उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये जो पूजा है, उनका नाम है चौधरी रोहित जी ने, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम राहु काल अगर बीच में आ जाता है तो हम छोड़ दें क्या? तो मेरे भाई किसी भी अनुष्ठान में राहु काल जो है किसी भी कार्य में प्रारंभ में लिया जाता है, हम जब प्रारंभ करें उस समय राहु काल ना हो तो यम घंटकार और गुलिक कार्य अलग अलग तो आता ही रहेगा, मुख्यतया होता है हमारा जो प्रारंभ का समय होता है वो हमारा उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरी बात, राहु काल हर चीज में हम लोगों ने उसको पूरा मिक्स कर दिया है, उसमें वो केवल यात्रा इत्यादि के लिए देना देखा जाता, सभी कार्य में देखना कंपलसरी जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे हवन का भी है, अब जैसे नवरात्रि का जो हवन होता है वो उस तिथि के अनुसार जो है जिस दिन नवमी रहेगी, भले अग्निवास हो या ना हो वहां पर अग्निवास का दोष नहीं लगता है, तो ऐसे ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो बंधु अच्छा लगा आपने पूछा। दूसरी बात अनुभूति के बारे में, हाँ रोहित जी ने अनुभूति का राहु काल जो है ये राय तनुदास जी ने राहु काल के बारे में पूछा था, चौधरी रोहित जी ने अनुभूति के बारे में पूछा था कि गुरु जी हम ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं इसकी हमें अनुभूति होगी क्या? तो बिल्कुल भैया अनुभूति होगी कि सामान्य रूप से आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं अथवा जो खेलने वाला बच्चा उसको खेलने में भी रात में भी वो छक्का मार रहा होता है, पूरी अगर कुश्ती वाला भाई कुश्ती लड़ रहा होता है, चेस वाले के चेस, और जो आजकल वीडियो गेम चलाए जय सियाराम, कई बच्चे कैसे चिल्लाते हैं कैसे करते हैं, बहुत भयावह, उससे हमें बचो, आप भले ही कुश्ती लड़ लो। तो आप जब पूरा मन लगा करके करेंगे तो निश्चित स्वप्न में आपको पाठ बुदबुदाते रहेंगे, आपको लगेगा अरे तो मैं स्वप्न में कर रहा था, और भी अच्छी बात अनुभूतियां होंगी। और भी इसमें कई बार हमारे कुछ वो भी आ सकता है, अगर हमारी भावना में कहीं कमी है तो कई चीजें हमको लाभ आ सकता है, लोभ आ सकता है, काम की भी प्रवृत्तियां आ सकती हैं कि हमको कहीं छोटे से लाभ के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हमारा वो छूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत अगर जाना भी तो अर्ली मॉर्निंग जो है आप
एक पार्ट करके निकल जाइए, लेकिन शाम तक जहां भी पहुंच जाइए ऐसा कीजिए। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो सुबह पाठ का सेशन पूरा करके ही जाइए, पाठ पूरा करके ही जाइए, और वहां वो कंटिन्यू रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें ऐसा ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, बात है करने वाली बात है। और जो है कई लोगों से अपनी बात हुई है, कई बंधु लोग तो शुरू में ऐसा जालसाजी किए कि गुरु जी आपको पूजा करानी है करानी है। तो हालांकि चलो ठीक है, किसी बहाने से उन्होंने एक अच्छी जानकारी ली अपने पितरों के बारे में, बहुत अच्छा लगा। और कई लोगों, मुश्किल से 7-8 बहनों से और भाइयों से बात हुई है सभी, और जिनसे बात ना भी हुई आप सभी लोग पुण्यात्मा है, धन्यवाद के पात्र हैं। पर ये जो यूके से हर्षा बहन के द्वारा जो हमको जानकारी मिली, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोग भी ऐसे कुछ अच्छा सत्कर्म करने जानकारी देते रहिए, और जो है उन चक्करों में मत पड़िए। तो रिहा राहुल जी, धन्यवाद, आपने इतना तारीफ किया। हमारे जो देव भाई हैं जिनका अपना चैनल है, उन सबको धन्यवाद। सदा जो है देव की बातें तो बहुत अच्छा लगता है, और अथवा देव दिल से है। और दूसरा जो है नीलम बहन, बहुत जल्दी शायद नाराज हो गए कि उनको उत्तर नहीं दे पाया। मैं क्या करूं, हम भी साधारण हैं, हमारे भी श्रीमती जी जैसे ज्यादा गांव गई हैं, मायके गई हैं, तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई, हम लोग बाहर की चीजें अवॉइड करते हैं, तो इसलिए समय और नहीं मिल पाता बहन। लेकिन मैं जरूर, हमें अच्छा लगा, आपका नाराजगी भी अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है, जिसको उम्मीद होता वही नाराज होता है। तो हम अवश्य उत्तर देंगे, सभी लोगों का उत्तर देंगे, जैसा क्रम से हमें लगेगा, पहला ये इम्पोर्टेंट है और हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात, मेरा जो प्रयास है कि हम उन चीजों को ही करें, उन चीजों को बताएं जिससे हम तुरंत अथवा बाद में लाभान्वित हो, उसमें हमारा घाटे का सौदा ना हो। मतलब हम वो करें, तंत्र विद्या करें, वो विद्या करें, कठिन विद्या करें, वो जरूरी नहीं है। आप सभी लोग जान, मैं कुछ वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं कि जो साइंटिस्ट हो उन्हीं को जो है भारत रत्न मिलता हो अथवा उन्हीं को पद्म विभूषण मिलता हो। इस बात को हमें बहुत अच्छा लगा, एक आम व्यक्ति को, कई लोगों को ऐसे मिला है, उसी में एक आम नाम आया, नाम मैं भूल गया हूँ, जिनका बेटा बहुत असमय में चला गया था, और उन्होंने हजारों पेड़ को अपने पैसे से अपना करके लगाया, इस बार उनको पद्मश्री या पद्म विभूषण ऐसा कुछ उसको उनको सम्मान मिला। तो अभी प्राय आप साइंटिस्ट हैं तो भी आपको ही लाभ मिलता है, और आप डॉक्टर और डॉक्टर हैं तो भी मिलता है, खिलाड़ी हैं तो भी वही पद्मश्री या पद्म विभूषण या उस तरह की चीजें मिलेगी, गायक हैं, कलाकार हैं, या समाज सेवक हैं, या किसी तरह से आपने समाज के भले के लिए काम किया। ऐसे जरूरी नहीं कि हम कठिन साधना करेंगे तो ही हमको मैया खुश होंगी, प्राप्त होंगी, हम सरल रूप से भी कर सकते हैं, तो हम क्यों कठिन के पीछे भागें। कठिन में क्या है कि जैसे सिद्धकुंज का स्तोत्र की बात, उसके बारे में कभी अलग से बनाऊंगा, तो जो हो सही हो, आप मैथ में मजबूत हैं मैथ में जाइए, अथवा तो आप दौड़ने में तेज हैं दौड़ने वाला काम कीजिए, आप तैरने वाला में मत जाइए, जो तैरने वाले हैं वो तैरने का काम करें। तो कोई काम कम नहीं, कोई भी अनुष्ठान छोटा बड़ा नहीं है, जो जो आपके पूरे हृदय से हो जाए और पूरे ढंग से हो जाए और आपकी श्रद्धा हो अपार श्रद्धा, तो वही जो है श्रद्धया सत्यमाप्यते, सत्य के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी जो कल्याणकारी हैं। हनुमान जी महाराज परम दयालु हैं, बड़ी कृपा है, इनके बारे में मैं चर्चा करता ही रहूंगा। हमारे जो बड़े भैया हैं और जीवन के नैया के खेवैया हैं, आप सबके भी, आप सब लोग मान रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, जो है अपना अक्षय तृतीया इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, जो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न हो, जैसे पूजा पाठ से संबंधित, ये प्रश्न को आप यूट्यूब पर ही करें, जो व्यक्तिगत प्रश्न हो लगे कि हाँ नहीं ये पूछना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं, तो आप हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप टच करके आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां आप लिखेंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। नहीं कर पा रहा हूँ, नाराज मत होइएगा, मेरे ध्यान में रहता है, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन में जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र उत्तर दूंगा। जय श्री राम।